मेरे पति क्या हीरो लग रहा है इधर अभी भी। गाइस मैं टेस्ट करके बताती हूं। यस टेस्टी है। गॉड कितना बर्फ है। ओह हार्ट अटैक आ रहा है इतनी बर्फ देख के। तो गाइस हमने अच्छे से दर्शन कर लिए मंदिर के, हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे। चलो अब टी गार्डन आ चुके हैं हम। नेक्स्ट हम टी गार्डन घूमेंगे। यहाँ तो कुछ है टी होती है, फैक्ट्री कटलेट के नाम से टी है, ले लिया तो फैक्ट्री कटलेट के नाम से। ये देखो पूरे टी गार्डन है, ये पूरा व्यू है। आ चुके हैं टी गार्डन। आई लव हिमालयन ब्यूटी। देख ये देख रहा, देख प्रोसेस दिखा रहे तुझे। वो बता रहे हैं कि क्या नाम है, तू बोली थी ना किस ब्रांड के। यहाँ बताओ भैया किस ब्रांड की वो टी है। हिमालयन ब्रू। इनका खुद का ब्रांड है और ये बगान में इनकी है। ओके अब तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ये बगान सारे इनके हैं, इनके खुद की ब्रांडिंग होती है। चलो ये रही ना हिमालयन ब्रू लगी हुई है प्रॉपर। हाँ हाँ बाकी सबके भी होते हैं। गाइज मैंने पड़ी लकड़ी उठाई है क्योंकि मुझे पड़ी लकड़ी उठाने का बहुत शौक है। यहाँ पे पड़ी थी ये लकड़ी और मैंने उठा ली। अब हम इसे अपने घर ले जाएंगे और चाय बनाएंगे, तो चाय बना के दिखाऊंगी मैं। अगर लेके गई तो सुखाना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो चल रहे ओ चलो ना बगान। वाओ देख रहे हो आप गाइस, दूर दूर तक आपको बगान दिख रहे हैं, पूरे बगान ही है। मैं अंदर नहीं आऊंगी, आ जा इधर हटो। गाइस ये सारे बगान ठीक है। चाय पत्ती की एक पत्ती तोड़ के दिखाती हूँ, गंदी हो रही है पर ये तो सारी पत्ती है। देखो महक तो नहीं आ रही इसमें। मेरे पति क्या हीरो लग रहा है इधर अभी भी। एकदम मस्त माल लग रहा है। चाय वाओ नाइस। हाँ ये लो चीयर्स, ये लो पकड़ो। अच्छी लगी है, पैक करा लेती हूँ मैं चाय कच्ची वाली। लेकिन बनानी आनी चाहिए। हाँ ये बता देंगे कैसे बनानी है। गाइस मेरी डिटॉक्स टी आ चुकी है, ब्लैक टी तो है। हिमालयन रॉक सॉल्ट, ग्रीन टी, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट विद हिमालयन पिंक सॉल्ट। ओके पूरा नाम ये है। पियो कैसे इसको यार, खोलनी पड़ेगी। और हो रही है ओ अभी तो बहुत गर्म होगी है ना। नहीं यार मेरे को गर्म लग रही है, मुंह ना जल जाए मेरा। गर्म है गाइस टी ट्राई करो। मेरे को डर लग रहा है पीने में, गर्म है बहुत, बंद कर। अरे पी गाइस मैं टेस्ट करके बताती हूँ। यस टेस्टी है, सोल्ट की टेस्ट आ रही है। ग्रीन टी काफ़ी टेस्टी है, कर सकता है कोई भी टेस्ट इसको। लोगों तो देखो हिमालयन ब्रू कंपनी का नाम है। हे गाइस तो हम आ चुके हैं अब यहाँ पे स्टेट वॉर मेमोरियल, लेट्स गो। ये है प्रॉपर व्यू। गाइस हम आ चुके हैं कहाँ पे, वॉर मेमोरियल। यहाँ पे जो शहीद हुए थे उन सब के डिटेल्स लिखी हुई है, वो कहाँ कब कैसे शहीद हुए हैं।
अब का कैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो उनकी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। काफी अच्छा बनाया और आओ विजिट करो घूमो यहाँ पे। वो क्लियर नाम दिख रहे होंगे यहाँ पे, इन्होंने पूरे लोकेशन दे रखे कहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ के, पूरे हिमाचल के हैं सारे ये पूरा ऐसे बना हुआ है इस इन तीनों वॉल्स पे दोनों साइड नाम लिखे हुए हैं और ऐसे ये साइड में जो वॉल्स हैं। तो हमें आना चाहिए ऐसी ऐसी जगहों पर और देखना चाहिए यहाँ पे भी कौन कब ऐसे शहीद हुए थे। ये क्या है, नेवी, इंडियन नेवी का जहाज। और देखो कितना बड़ा है ये पूरा एरिया, बहुत बड़ा है, आप देख रहे हो दूर तक, वहां तक है ये नीचे तक। ठीक है, तो इतना दूर तो हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है आज हमें दिन के अंदर। और ये प्रॉपर एक विकास चिल्ड्रन पार्क बना रखा है के नाम से इन्होंने यहाँ पे। और इधर पूरा ये मैंने आपको दिखा दिया उधर साइड का पूरा एरिया और ये इधर साइड का। तो यहाँ से हम यहाँ से जाएंगे, हम पेड़ से गिरा ऊपर से, हम इसको ले जाएंगे घर पे, डेकोरेशन के काम आएगा ये। कच्चा भी है एक, यानी ये भारत का नक्शा यहाँ पे बना हुआ है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं स्कूल को लेते हुए, अब हम चलते हैं घर। Let's go guys। नहीं घर नहीं जा रहे अभी, हम स्टेडियम रहता है एक स्टेडियम देख के देन फिर हम यहाँ घर निकले, वहाँ निकलेंगे राणा के घर पर। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, चलो हम चलते हैं एरोप्लेन के नीचे गाड़ी। गॉड कितना बर्फ है, हार्ट अटैक आ रहा है इतनी बर्फ देख के। तो स्टेडियम आ चुके हैं, ये स्टेडियम है, देखते हैं एंट्री है नहीं है, नहीं है, है ही नहीं, देखें नो एंट्री, नो एंट्री गेट नंबर वन, क्या करना है अब, एंट्री नहीं है तो फिर क्या ही करें। यहाँ पे जो है अभी मैच स्टार्ट होने वाले 7 तारीख से, तो ये बंद कर रखा है स्टेडियम, तो क्या करें अब, हम बोल रहे बाहर बाहर से देखो जो भी देख रहे हैं, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसे टाइम पे आना जो मैच ना हो, अगर ये देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा था वैसे, देखते तो अच्छा रहता, अब नहीं देखने को मिला तो क्या करें। वैसे यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे हैं और पीछे तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं, वहाँ पे बर्फ के पहाड़ है, ये थोड़ी फैक्ट्री ये पूरा स्टेडियम है भाई साहब। यहाँ से मैच का व्यू कितना तगड़ा आता होगा, मैच और यहाँ पे पहाड़, पूरे बर्फीले पहाड़ है देखो भाई साहब। काश अंदर जा सकते यार, मजे से आ जाते, बट अब हम अंदर नहीं जा सकते तो हमने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। कितना तगड़े पहाड़ है, पूरी सिटी आ गई इधर। अच्छा हमारे भाभी राजपूत वो खंजर रखते हैं अपने साथ, एक हाँ वो बांध के रखते हैं, प्रतीक है ना राजपूत, पंजाबी भी रखते हैं वो तो। इमरान के घर पहुंच गए, वो तो पागल है उसका। हे गाइस हम राणा के घर पहुंच चुके हैं, मेरा फोन पूरा फुल हो चुका है, पता नहीं कहां से गिर गया मेरा फोन जो है वो पूरी इसकी हो चुकी फुल। अब मैं राणा के फोन से व्लॉग बना रही हूं, तो ये देखो राणा का घर पूरा सजा हुआ है, नीचे टेंट लग रहा है, अब दिखाते हैं ऊपर वाली फ्लोर है, नीचे वाली फ्लोर आंटी अंकल है, तो कल दिखाती हूँ या थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। अभी देखो यहाँ पे चार रूम है, 1, 2 and 3, 4, ये रात का रूम है, ये इसके भाई का रूम है और यहाँ पे अभी पता नहीं किस किस का रूम है, तो मैं आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ जिसमें मैं सोऊंगी। ये देखो ये मेरा सामान रखा है, अभी बैग दूसरा है, ये इसका रूम है, मस्त पूरा वॉशरूम वगैरह सब है, यहाँ पर अपन इंजॉय करेंगे। अच्छा है ना,
मस्त बना रखा है इन्होंने भी। और यहाँ पे सब रहे, क्या कर रहे हो तुम सब? चप्पल निकाल के पहन रहे हो? अच्छा, मिल गई चप्पल। चल इतनी शौक हो गई, इतनी शौक हो गई। ये हमें सर्व कर रहे हैं खाना और ये रहना ऐसे बैठा हुआ है, बदतमीज का। बैठ जा, खा ले तू भी। खा लो, खा लो, दोनों खा लो। चलो हम खाना खा रहे हैं। बोल हम थक गए या तू थक गया? तेरे को हैंगओवर हो रहा है या हमें ट्रैवल का हैंगओवर हो रहा है? बता। चल जल्द जा, शादी वाले दिन मत करियो ये चीज। तू कभी बोल रहा सर घूम रहा है, बाद में करते। बाय। इसलिए तो भाई हम फ्रूटी वाले, हम फ्रूटी वाले जा। तो चक्कर आ रहे हैं।